अभी मतलब आपका सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णामूर्ति पद्धति एंड नाड़ी सिस्टम एस्ट्रोलॉजी। पहले आप सभी ऐसे ही समझ लें कि तीन टाइम के सिस्टम है हिंदू एस्ट्रोलॉजी में, वन इज पराशरी, अनदर इज जेमिनी एंड थर्ड इज नाड़ी। कृष्णामूर्ति जी ने जब नाड़ी सिस्टम पढ़ा था तो उस समय पे ये कोई ज़्यादा फेमस नहीं है, आज भी फेमस नहीं है, लेकिन आज से भी कम फेमस कह सकते हैं। कोई टेक्स्ट अवेलेबल न था, ठीक है, तो जब उन्होंने सब लॉर्ड बोलना शुरू किया तो उसको पहले कोई यूज नहीं करता था। आप ये भी सब जानते हैं पराशरी ज्योतिष में भी नक्षत्र का भी कोई प्रयोग नहीं करता, नक्षत्र इज नथिंग बट दशा, दशा इज कैलकुलेटेड फ्रॉम नक्षत्रों में, ठीक है, एंड अंतर दशा इज सब लॉर्ड। सो इट इज रॉन्ग टू से दैट कृष्णामूर्ति इवॉल्व एनीथिंग कॉल्ड सब लॉर्ड और नक्षत्र, इट वॉज अवेलेबल बिफोर एंड ऑल्सो फ्रॉम एजेस। तो जब ये लेके आए तो जो लोग जो थे वो अगेंस्ट हो गए, क्योंकि ज्योति की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोग पता नहीं बॉम्बे में है, मैं नहीं जानता, ज्योति और घमंड ये साथ ही चलते हैं, अगर ज्योति और घमंड ना हो तो वो ज्योति नहीं। आप उसे सवाल पूछो, सवाल का जवाब देगा नहीं, दो चार मंत्र ठोक देगा, नाराज जाएगा, गुस्सा ऐसा हो जाएगा जैसे पता नहीं उसकी बीवी हमने लगाई है, जैसे ज्यादातर यही करते, ज्यादातर का मतलब 99% कोई बिरला एक मिलेगा, कोई वो तो हो ही सकता है। तो कृष्णामूर्ति जी से ये लड़ पड़े, कृष्णामूर्ति जी भी जोशी थे। अब जो स्टूडेंट्स होते थे जैसे कृष्णामूर्ति जी के, तो वो जब दूसरे स्टूडेंट से मिलते थे तो क्योंकि जो लोग कम होंगे उन पे लोग हंसेंगे हमेशा, चाहे वो ठीक भी हो, तो फिर वो बोलने लगे हम तो ज्योतिष ही नहीं करते, वी आर कृष्णामूर्ति फॉलोअर्स। अब जब ये बात होगी कि वी आर कृष्णामूर्ति फॉलोअर, तो वो ज्योतिष पीछे होगी, तो फिर लोग पूछ रहे व्हाट यू डू देन, व्हाट वी डू कृष्णामूर्ति पद्धति। अब व्हाट इज कृष्णामूर्ति पद्धति, नोबडी नो, नेम एवरीबॉडी नोस। व्हेन यू स्टडी द बुक्स रिटन बाय कृष्णामूर्ति यू योरसेल्फ नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णामूर्ति हैज राइट्स इन द बुक्स। खुद ही आपको चीज समझ में आता बंदा लिखना कैसा, उनको खुद ही मुझे नहीं लगा कि समझ में आया कि वो क्या लिख रहे हैं, तो मैंने आप पढ़ के देखोगे ना, किसी को नहीं समझ में आया कि कृष्णामूर्ति ने क्या लिखा। आपने ये देखा होगा कि अभी हमने दो तीन चार आपके हॉरोस्कोप, एक आपका, एक आपके बेटे का, दो तीन आपके घर के, तीन चार आपके, एक आपका, ठीक है, शाइना के मतलब तो वो तो मैंने सारे देखे हुए घर के, उसका ब्रदर भी मेरे से पढ़ा हुआ है, तो चार या पांच उसके होंगे, हमारे भी और दो दो तीन तीन हॉरोस्कोप के स्कोप हैं। एंड वी आर सीइंग मतलब अभी तक जो आपने आभास लिया है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अभी तक जितने हॉरोस्कोप है उसमें एप्लीकेबल है, उसमें एक आधे हॉरोस्कोप इन्होंने दिखाया था जिसमें कुछ समझ नहीं आया, ये भी था, और उसमें हमें भी डाउट था कि वो ठीक है, उसका रीजन भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। 100% हॉरोस्कोप में लगता है ये, मैं कहता नहीं, मैं तो देख चुका हूँ हॉरोस्कोप, कोशिश ये रहती है कि झूठ ना बोला जाए, बाद में फंसने की उम्मीद कम होती है। तो मेजॉरिटी केसेस में लगता है, मेजॉरिटी केस का मतलब यह है कि 100 में से 8-10 ऐसी हॉरोस्कोप है जिनमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो, वो आती है, उसके रीजन्स अलग हो सकते हैं कि हॉरोस्कोप का टाइम करेक्ट ना हो, पर कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे सिस्टम में भी प्रॉब्लम, हॉरोस्कोप का टाइम क्यों नहीं ठीक हो उसके भी रीजन्स हैं। जैसे इनकी भाभी वाला बात है, एक आधी बात मैं अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूँ, जैसे ऐसा भी देखा गया है जैसे
ही मेरे एक स्टूडेंट हैं वो अपने हस्बैंड का हॉरोस्कोप लेके वो तो काफ़ी हॉरोस्कोप थे सर लेकिन हस्बैंड का समझ नहीं आ रहा। तो मैंने भी देखा, मैं कहीं बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक देखा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये जोक है। लेकिन बात सच्ची है, नहीं समझ में आया। तो फिर उन्होंने बैठे कहा कि भाई सर ऐसा है कि आप 54 हम देख रहे हैं, इसको 53 करके देख लेते हैं जी। बोलते हैं सर क्योंकि इनकी बहन की शादी हुई थी तो भी यही किया था, साल बढ़ा दिया था क्योंकि वो जो लड़का तो ढूंढा था तो वो उससे छोटा था, तो साल बढ़ा दिया, मेरा शादी हो गई तो इनका भी करके तो 53 किया, बात बनी नहीं। फिर मैंने 52 कर दिया, बिल्कुल बैठ गए, बिल्कुल परफेक्ट। और अगर वो आइडिया नहीं देती तो उस दिन हमारा हमने जो नहीं हो पाता। एक और रीजन है कि मेरी बेटी 91 बॉर्न है, हमारे साथ एक कुछ सज्जन रहते उनकी बेटी भी 91 बॉर्न, मेरी बेटी नवंबर की उनकी भी नवंबर, तो सितंबर 30th के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके 6 महीने लॉस हो जाते हैं एडमिशन करना। तो उसको लगा कि नहीं मुझको तो अभी पढ़ाना है बच्चे को, मैंने कहा यार मेरे को नहीं बच्चे पे बोझ डालना, साल बाद पढ़ लेंगे, कौन सी बैठी खा रही है घर पे फालतू, साल बाद पढ़ लेगी क्या पेपर। तो उसने बेटी का 90 का सर्टिफिकेट बनवा के एडमिशन कराया। मैं ये नहीं जानता उसकी जब बेटी की शादी होगी तो वो लड़के वालों को सच बोलेंगे कि झूठ। अब अगर उसका हस्बैंड हमारे पे हॉरोस्कोप लेके आएगा तो हमें तो पता नहीं चलना, तो 90 देखें। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो टाइम जो हमारे पास उल्टी आ रही है, जब उसका डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा तो हम क्या करें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब वापस आ जाते हैं कृष्णामूर्ति वाले बात पे, तो वो कृष्णामूर्ति की बात है थी कि जो वो उनके जो स्टूडेंट थे वो बोलने लगे कृष्णामूर्ति सिस्टम, और जो बाकी बोलने लगे अभी ठीक है एड्स ओके, जब बात ही खत्म हो, जब जोशी नहीं होती झगड़ा खत्म। पर उस सिस्टम में कृष्णामूर्ति सिस्टम है, आप जब बुक पढ़ोगे तो जो बुक में थ्योरी लिखी है दैट डजंट टैली विद द एग्जांपल्स। आपने मेरी किताब पढ़ी है जो आपको समझ में नहीं आई, हिंदी को ज्यादा ही कठिन, लेकिन जो हमने रूल बताए हैं वही हम लगाते हैं, रूल से नहीं हम डिक्ट करते हैं। ये कह देंगे आर एस रूल समझ नहीं आया, ये नहीं कहेंगे कि भाई रूल चेंज हो गए, क्योंकि उससे फिर तो सब कुछ ही बिगड़ गया। ठीक है, अब कृष्णामूर्ति जी को क्यों नहीं समझ में आया, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि कृष्णामूर्ति ने जो रूल लिखे हैं ही डजंट फॉलो दैट रूल्स व्हेन ही इज गिविंग द इलस्ट्रेशन, डजंट फॉलो द इलस्ट्रेशन एंड वेरी बैडली रिटन बुक्स, बहुत बुरी किताबें लिखी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आता मतलब क्या रूल है, बुक में रूल कहीं लिखा ही नहीं कि क्या फॉलो हो रहा है, स्टोरी कहानी अच्छी बात से पढ़ना देखना समझ में आ जाएगी बात। इसके बाद है कि जब सॉफ्टवेयर आए, पहले सॉफ्टवेयर थे नहीं, तो सबसे पहले जो सबसे मशहूर हुआ सॉफ्टवेयर वो दिल्ली में हुआ फॉर्चून फोरसाइट। इसके अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ कृष्णामूर्ति पद्धति, तो आर संधानम करके व्यक्ति जिन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशन उसके अंदर यूज की थी, और जो सॉफ्टवेयर वाला आदमी था वो अरुण बंसला जो फ्यूचर पॉइंट करके सॉफ्टवेयर बेचते थे, ठीक है, उन दोनों ने मिलकर बनाया था। फिर बंसल जी ने अपना कर लिया क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी भी आ गई और उस लाइन के आदमी तो थे ही वो आईटी के। तो उसमें जब कृष्णामूर्ति पद्धति लिखी गई तो लोगों को पहले जिनको नहीं भी पता था उनको पता चला देयर इज समथिंग कॉल्ड कृष्णामूर्ति पद्धति, नोबडी नोज हु इज कृष्णामूर्ति, व्हाट इज द पद्धति, बट पीपल से कृष्णामूर्ति पद्धति। जिन लोगों को पराशरी में कर करके काम कर करके रिजल्ट नहीं आ पाते उनको
कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़नी भी नहीं है, उन्होंने सुन लिया तो वो ये कहते हाँ यार कुछ है तो सही, ठीक है। फिर वो कहते हैं केपी सिस्टम, अंग्रेजी में केपी सिस्टम लिखा है, सॉफ्टवेयर में भी और बोलते भी है। अब ये भी अजीब बात है, वे केपी सिस्टम क्यों लिखते हैं? के एस कृष्णमूर्ति, पी एस पद्धति, एस because they do not know what is what. We are West Avenue Road. वही वाली बात। अब कृष्णमूर्ति करके उन्होंने सिस्टम बना दिया, कृष्णमूर्ति सिस्टम, इट इज एक्चुअली नाड़ी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट कृष्णमूर्ति जी ने जिस तरीके से उसको लिखा दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जितनी भी उन्होंने समझाई है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस, नॉट आई वॉन्ट यूज डिफिकल्ट, आई विल यूज द वर्ड इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस। वाइड इज इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस मैं बताया तो, और दूसरा है कि एक्सटेंशन टू दिस है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो लोग कहते हैं ये कृष्णमूर्ति सिस्टम को इसने गड़बड़ कर दिया और ये अपना सिस्टम बना दिया और ये पढ़ाता है। मगर अगर ऐसा है तो इट इज यूपी सिस्टम उमंग पद्धति सिस्टम। तो वो ऐसे मजाक कर रहे थे क्लास में, पिछली बार बॉम्बे का जो ग्रुप है उसका नाम ही है यूपी सिस्टम, अब वाला है स्प्राइट हो जाए प्यास। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ये डिटेरियोरेट हो जाती है कई चीज़ें जो लोगों को पता नहीं चलती, जिस लाइन के जो लोग कीड़े होते हैं उन्हीं को बताते हैं। जैसे आप भारतीय विद्यावन से क्या पढ़ते हो, जो भारतीय विद्यावन के टीचर हैं वो बताते हैं आप वैदिक स्टडी पढ़ते हैं, ये बड़ा इनकरेक्ट स्टडी, नथिंग कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी इन वेदास, वेदों में कहीं ज्योतिष का कोई स्टडी नहीं है, जिक्र हो बात अलग है, वेदों से ज्योतिष नहीं है। वैदिक कैसे वो नाम पड़ गया, क्योंकि एक जोशी हैं दिल्ली के अंदर के एम राव, वो दाढ़ी बनी। अब उन्होंने जब 91 में जब इंडिया जरा ओपन हुआ तो वेद वो ज़्यादा मशहूर हो गए, तो यूरोपियंस अमेरिकन आने लगे तो उन हर चीज़ जो है वेदों में की यहाँ पर ढूंढने लगे। तो जैसे एक पिक्चर आई थी ना 72 में मैडम बॉबी, 74 में तो जो बॉबी मशहूर हो गई थी, तो बॉबी मोटरसाइकिल मशहूर हो गई थी, बॉबी चप्पल मशहूर हो गया, बॉबी साबुन आ गया, सुन मेरी है बिल्लो बॉबी 5.5 रुपये किलो, 5.5 रुपये का दस रुपये, तो वो चीज़ मशहूर रहती है। ऐसे उन्होंने ज्योतिष को वैदिक एस्ट्रोलॉजी मशहूर कर दिया कि राव साहब, अब वो कर दिया। उसके बाद अमेरिका पढ़ाने लग गया वैदिक वैदिक वैदिक, फिर अमेरिकन्स का तो आपको पता है यस नो, इंडियन की तरह नहीं है, अमेरिकन यूरोपियन है, यस मीन्स यस, नो मीन्स नो, इंडियन यस मीन्स आप ये देखें कि जैसे यहाँ लेडीज बैठी हैं, हम सब बैठे हैं, ये अलग कमीज है, आपकी लाइनों वाली है, उनकी ब्रॉड लाइनों वाली है, आपकी थोड़ी वैसी है, मेरी कुछ वैसी है, लेडीज भी बैठी होंगी, कोई जीन में बैठी है, कोई सूट है, कोई साड़ी में है, शाइना डिफरेंट कपड़े पहन के आते, और सबके ना अलग अलग टाइप के होंगे, कोई चमकदार होंगे, कोई जैसे होंगे, अच्छा कोई सांभले होंगे, आप गोरे हैं, कोई नीला है, कोई पपीला है, कोई पपीते जैसा है, कोई आम जैसा है, टेढ़ा, उनमें सब एक जैसा, सारे गोरे या सारे काले। अच्छा स्ट्राइप्स वाली है कि नहीं, जो स्ट्राइप है या चेक है या सॉलिड है, और उनके पास सामान कुछ नहीं है, डांस है तो उनका बिल्कुल सीधा ऐसा या ऐसा, हमारा बॉम्बे तो बिल्कुल मेरे को अच्छा लगता नहीं, क्योंकि बिल्कुल लोग ना गाड़ी बिल्कुल सीधी सीधी चलाते हैं, आप दिल्ली में आओ पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ से कौन कहाँ से निकल गया,
रेड लाइट में आप खड़े हो भी सकते हो, चल भी सकते हो, ग्रीन लाइट में भी खड़े हो सकते हो। सबकी गाड़ी घिसी हुई रहती है, जैसे एक मुंडे मर गए, ग्रीन लाइट में भी खड़े हो सकते हो, बड़ी सी गाड़ी घिस जाती है, मुंडे मर गए, नहीं नहीं इधर उधर से सब जगह से घिस गए। तो यूं बड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा हिसाब था। अच्छा, यहाँ कत्ल हो जाए तो बंदा बच भी सकता है। आपने अगर मतलब वो नहीं पहनी बेल्ट तो आपका चलान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वहाँ अगर बेल्ट नहीं है तो चलान आपका घर पहुँच जाएगा, पैसे आपको देने पड़ेंगे। वहाँ कोई यहाँ कोई सिस्टम है नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिसका कत्ल है उसी के अगेंस्ट ही, जिसका कत्ल हो चुका है उसको भी जेल में बंद कर दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। बड़ा बड़ा पेशा वो यस नो वाले लोग हैं, वो नहीं घुमाओ फिराओ समझते। तो राव साहब जो वहाँ पर घुमाओ फिराव करने लगे, उन्होंने वापस भेज दिया, बोले भाई सब जाओ हमारे समझ नहीं आया। लेकिन इंडिया में कम ही लोग हैं जो यस और नो वाले जो यहाँ बैठे हैं ज़्यादा, क्योंकि आपने भी पढ़ा भारतीय विद्या भवन में घुमाओ फिराओ, सीधा सीधी बात है, बेसिकली नहीं। कृष्णामूर्ति पद्धति में घुमाओ फिराव भी है और समस्या। बाद में राव साहब ने हालांकि बाद में माफ़ी भी मांग ली, लिख दिया कि आई एम सॉरी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज नॉट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मेरे को किसी पंडित ने, रेवाड़ी के पंडित ने बेवकूफ़ बना दिया था, अब मैं समझदार हो गया हूँ, इसलिए अब मैं अपनी बुक्स को इंडियन एस्ट्रोलॉजी लिखूँगा। एक कृष्णामूर्ति वाला है, वो कृष्णामूर्ति में बैठे हैं। अब कृष्णामूर्ति पद्धति को ठीक कौन करे? तो उसका बेटा तो मानता है कि ये कृष्णामूर्ति पद्धति नहीं है, बट उसकी भी कोई नहीं सुनता। हरिहरन उसका बेटा है, वो खुद कहता है ये नाड़ी सिस्टम है, उसकी भी कोई नहीं सुनता। अब वो झूठ इतनी बार बोल रहा गया, सच लग गया। अब कृष्णामूर्ति पद्धति में क्या प्रॉब्लम्स है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो प्रैक्टिकली करने में मुश्किल आएगी। ठीक, इसको स्टेलर भी बोलते हैं, स्टेलर भी बोलते हैं ये कृष्णामूर्ति स्टेलर अंग्रेजी में स्टेलर। इनको पेटनेम था क्या? नहीं सर, वो इंग्लिश नेम हो गया। हाँ ये इंग्लिश नेम हो गया, बाहर गई ना, मेरे को भी किसी मैंने किसी की प्रेडिक्शन करी एक्चुअली, तो इंग्लिश था, तो उस तब तक तो मैंने पढ़ाता नहीं था, तो उसकी प्रेडिक्शन बाई चांस ठीक हो गई। तो उसने बोला कि जी आप क्या सिस्टम फॉलो करते हो भैया, हम तो वेस्ट वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर लेडी है, तो बोलते आप क्या करते हैं? मैं कहा भैया हम एक डिफरेंट सिस्टम यूज़ करें, बोलते आप वो बुक है मैंने कृष्णामूर्ति की भेज दी, तो उसने यही लिखा, बोलते आई डोंट नो हाउ यू डू द प्रेडिक्शन बट इट इज़ नॉट अ वेल रिटन बुक। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या समस्या आती कि जैसे ये हॉरोस्कोप है तो इसमें मैरिज हम कब निकालेंगे एक सेपरेट इशू है, वो कैसे निकालेंगे? वो जो प्राइम हाउस होता है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे हम मैरिज में है, मैंने आपको नहीं कहा कि आप सेवन्थ हाउस को के साथ बहुत दिल लगाओ, मैंने कोई बात नहीं, बट वो बहुत दिल लगाते हैं, उनका कहना है कि सेवन्थ हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है दैट इज इम्पोर्टेंट, सेवन का ही है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड सिग्निफाई मैरिज, इफ दिस डजंट सिग्निफाई मैरिज देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन मैरिज इज डिनाइड, मैरिज विल नॉट हैपन। बाकी क्लाइंट जितना मर्जी 2 साल 11 बोलते हो, मैरिज नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो कस्पल सवराट है आप समझते हैं वीनस सबसे बड़ा है, बाकी छोटे भी हैं। वीनस है 2 degree 13 minute 20 seconds, सबसे छोटा जो सन है दैट इज 40 minutes। ठीक है, अभी ये टाइम हो गया 2:03। ठीक है, तो इसको अगर मैं, अरे यार ये तो इसको मेरे को काटना पड़ेगा, अब इसको मैं 1 minute 2 minute 3 4 5 मिनट आगे कर तो ये सन हो जाता है, और इसको मैं 6 मिनट पीछे करता हूँ तो ये केंद्र हो जाता है।
जो छोटे होंगे वो एक दो मिनट में ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको 157 से इसको मैं 207 10 मिनट करूंगा, ये सारे चेंज हो जाएंगे सारे। देख रहे हो, ठीक है। अब वापस जो मेन स्क्रीन पे आ जाता हूँ, जो हम यूज करते हैं, ये इसको मैं 10 मिनट चेंज किया, इसको 10 मिनट पीछे करता हूँ, इधर भी 10 मिनट आगे करता हूँ, एक मिनट अब कहाँ पे, ठीक। अब जैसे ये 207 है और इसको मैं 10 मिनट आगे करता हूँ, आप देखिए इसमें 207 से 217 में कोई चेंज नहीं है। चेंज आ भी सकता था, चेंज नहीं भी आ सकता। जैसे 207 से 157 कर लूँगा तो बहुत चेंज आ जाएगा। जैसे तकरीबन तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जो 10 मिनट में पीछे जो कस्पल सब लॉट्स हैं वो सारे चेंज हो जाते, वो सारे चेंज हो जाते। सारे चेंज होने का मतलब क्या है कि एक मिनट में ये चेंज हो जाएगा, फिर दूसरे मिनट में ये हो जाएगा, तीसरे में ये हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा, छठे में हो जाएगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कई दो दो तीन तीन बार भी 10 मिनट के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो जो थ्योरी है वो ये कहते हैं 7 कस्पल सब लॉट शुड बी ओके फॉर मैरिज प्रॉपर्टी के लिए, 4 गेम के लिए, 11 ट्रैवल के लिए, 9। और अगर वो नहीं बताते हैं तो मामला गड़बड़। अब क्या है कि अगर आपका वीनस है, वीनस मैरिज नहीं बताता तो हम तो आपको डिनाई करके भेज देंगे कि भाई आपकी शादी नहीं हुई। अब समझ लीजिए आपकी 34वें साल में शादी होगी तो फिर ये केतु है, तो फिर मेरे को हॉरोस्कोप कैट करनी पड़ेगी, तो मैं केतु कर लूँगा। अब केतु करूँगा तो उधर प्रॉपर्टी वाला अगर हिल जाता है तो मैं बोलूँगा तुम्हारी अब प्रॉपर्टी डिनाई हो। अब वो 44th ईयर में प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो फिर मैं बोलूँगा अब इसको फिर चेंज करता हूँ, तो अगर उसको चेंज करता हूँ तो ट्रैवल हिल जाता है। अब वो 50वें साल में ट्रैवल करा, फिर मैं अब इसको चेंज करता हूँ बोलता भाई चल रहे नहीं तो ये प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सर सर ये चीज जो है आपके प्रश्न कुंडली में चलेगी, प्रश्न कुंडली में मैडम कल क्लियर हो जाएगी, ये कोई जरूरत नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। अब इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने की बात मैं समझाता हूँ कि आप ये समझ सकते हो कि इसको सेट करना बाय हैंड 1 मिनट इट इज हेल अमाउंट ऑफ जॉब। ये समझते हो, ये बनाना चलित को एक एक मिनट हाथ से बनाना इट इज हेल अमाउंट ऑफ जॉब। जरा सी क्लरिकल मिस्टेक हुई सावधानी हटी दुर्घटना हटी। तो 70s के अंदर कृष्णा बुद्धि जी कैसे करते थे भाई, वो करें जरूर करें, करते रहें, अपने लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ये विंडोज सॉफ्टवेयर जो है ये आपको पता 96-97 के बाद आने शुरू हुए। जब ये आने शुरू हुए तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति के लोग ज़्यादा फंक्शन हो गए, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो हमारा नाड़ी सिस्टम भी है, एक्यूरेसी ऑफ बर्थ टाइम इज इम्पोर्टेंट वन, सेकेंड है कि क्लरिकल मिस्टेक जरा से भी उसमें प्रॉब्लम है। जो परेशान ही कर रहा है वो तो नॉर्मली नमाज में कहने की बातें होती हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो फिर नमाज में घुसते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता है यानी वो तो सिर्फ ये देखा और प्रेडिक्शन कर ले प्रैक्टिकल। अब ये बहुत ज़्यादा ये जो है फंक्शनल हो गए, तो इन्होंने फिर एक्सटेंशन टू दी कृष्णामूर्ति रूल कर दी। हालांकि कृष्णामूर्ति जी की बुक में भी कहीं ना कहीं मतलब बीच बीच में ये प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि 7th के कस्पल सब लॉर्ड को देखो, अगर वो ना कह रहा तो शादी नहीं होगी, फिर भी हो सकती है अगर कस्पल सब लॉर्ड का जो नक्षत्र है, कस्पल सब लॉर्ड का क्या होता है ये केतु का जो है नक्षत्र है शनि, ये पॉजिटिव है, ये कस्पल सब लॉर्ड, फिर जो उसका नक्षत्र है सॉरी उसका नक्षत्र मार्स, उंगली का चलिए उसका नक्षत्र क्या है, नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट, वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट।
इसका उधर उसके इधर से उधर के जाके उधर, ये बहुत लंबा है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होगा। तो ये कृष्णमूर्ति की बात। अब जब 97 में सॉफ्टवेयर आने शुरू हुए, विंडोज सॉफ्टवेयर, तो फिर लोग नए नए आने लग गए जो इस थ्योरी को और बढ़ाने लगे। कृष्णमूर्ति जी के सिस्टम में और भी चीज़ें हैं। हमारा तो सिस्टम सिंपल है कि मून फोर्थ में बैठा है, ट्वेल्थ का लॉर्ड है, बात खत्म। मार्स फोर्थ और वन का वन नहीं है, चलित वन नहीं है, फोर्थ का लॉर्ड है, थर्ड में बैठा। लेकिन वो कहते हैं ये यहाँ कोई ऑक्यूपेंसी आ गई तो यहाँ फोर्थ गायब कर देंगे, वो कहेंगे भाई मार्स अब क्योंकि इसके घर में कोई आगे बैठ गया तो उसका घर लूट गया। तो ये भी एक उनमें थॉट है, अगर खाली है तो ठीक है, भरा हुआ है तो वो काट देते, ठीक हो गया। तो उनके सिग्निफिकेटर थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैंने ये कहा था गलत है, उनके अपनी सोच। अब जब इसको उन्होंने और डेवलप किया तो वो एक सब सब लॉर्ड ले आए, जो उसके बाद वाले लोग कृष्णमूर्ति जी नहीं, वो सब सब लॉर्ड है, ये उसके फर्दर सब नो डिविजन है। तो ये अगर 10 मिनट में बदलता है तो 1 मिनट में बदलेगा। ठीक है, कृष्णमूर्ति जी के लेवल तक भी दे यूज टू से टाइम शुड बी करेक्ट अप टू सेकंड्स, टाइम ऑफ बर्थ शुड बी करेक्ट अप टू सेकंड, क्योंकि ये क्योंकि 10 मिनट में चेंज हो रहा है, 12 चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब सेकेंड वाला मामला आ गया। तो सर आपको याद है, ये तो छोटा है, उम्र में 74 में घड़ियां कैसी होती थी, ठीक है, जो घड़ी दिन में 10-12 मिनट आगे हो जावे, बहुत बढ़िया घड़ी, उसने अली बात बहुत बढ़िया नहीं, नहीं वो बात चाबी की बोल बात नहीं, चाबी तो लगा देंगे, लेकिन जो 10 मिनट आगे होती थी तो घड़ी गलत मानी जाती थी, घड़ी ठीक। तो सुबह हमारे वाले जो घर पे होते थे वो 20-20 मिनट आगे होते, तो मेरा वो था क्या नाम है, घर में नंबर लगा हुआ था, 1 महीना मैं पीछे करूँगा। तो एक दिन कंफ्यूजन हो गई, 2 बंदों ने पीछे कर दिया, शाम में तो 10 मिनट आगे कर जाएगी, हाउ यू कैन करेक्ट द टाइम अप टू सेकंड्स, यहाँ मिनटों की इज्जत नहीं है, सेकंडों का क्या। और भारतीय रेलवे में कैलेंडर की भी इज्जत नहीं होती, वो तो भी राइट टाइम नहीं आती ट्रेन, वो तो राइट टाइम तो आई है, तो टाइम तो राइट आई है लेकिन आ निकलती। तो फिर जब हम बर्थ टाइम को चेक भी करते हैं, वी डू नॉट नो वेदर द फर्स्ट क्राई ऑफ द चाइल्ड और द कॉर्ड इज कट और द चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द वूम, ये रिडल कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो करेक्टिंग अप टू सेकंड इज नॉट पॉसिबल। तो ये आ गए जी, ये नए आ गए लोग, कौन वाले सब सब लॉर्ड। तो भी पीछे 2 साल पहले यहाँ पर दिल्ली के अंदर खुलर साहब पढ़ाते हैं एस्ट्रोलॉजी, जो सब सब लॉर्ड वाली एस पी खुलर साहब, तो उनको कैंसर हो गया, बीमार पड़ गए, उनके स्टूडेंट जो है वो खाली हो गए। तो एक लेडी आई बुजुर्ग मेरे पास, तो बोले सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, खुलर साहब बीमार हो गए हैं, तो आप हमें एक क्वेश्चन काम से दे दीजिए तो हम आपको बताएंगे। मैं कह नहीं मैडम आप बताइए क्वेश्चन के बाद। बोले आप सब सब लॉर्ड लेते हैं या सब लॉर्ड लेते हैं। मैं कहा मैडम अगर आप कस्पल सब लॉर्ड पूछते हैं तो मैं तो सब कस्पल सब लॉर्ड भी नहीं लेता, वो तो बट वी हैव गॉन अप टू सब 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 सब। मैडम वो जो रोटी मिलती है वो सब्वे की बात तो नहीं कर रहे, बोलते नहीं सब 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 सब। मैं आप सब यहाँ क्यों चले, मजाक की बात नहीं, बोलते मैं ऐसे ही सब, क्योंकि वी वॉन्ट मोर एक्विजिशन।
यार ये तो ज्यादा ही हो गया, मतलब हमारे तो सॉफ्टवेयर के झूठ नहीं, जहाँ झूठ बोलोगे बता दो। वो बोले कि भाई सर ऐसा कि कुलर साहब इज सो एक्यूरेट, एक हमारे क्लास फ्रेंड ने कहा कि मेरी फ्लाइट इज टेकिंग आउट टेकिंग ऑफ एट 9:15 आवर्स, तो आई एम गोइंग टू मुंबई और वट एवर। तो कुलर साहब सेड नो, द फ्लाइट कैन नॉट टेक ऑफ एट 9:15, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बोलते वो डर गया, क्या हुआ? तो वो बोलते हैं उन्होंने फिर उसको कैलकुलेट किया एंड आफ्टर अराउंड 40-45 मिनट्स ही कॉल्ड बैक, सी योर फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 9:15.0379457 मुझे पता नहीं है। अब या तो कूलर साहब वाइजर में नहीं बैठे या फिर वो बच्चा नहीं बैठा। अब टेक ऑफ कहाँ से ले, रनवे पे चला, रनवे से चला या उसने व्हील छोड़े, अब वही होगी बच्चा कब पैदा हो। वही क्यों खड़ी, मैंने कहा ठीक है तू ना ही पढ़ मेरे पास की बात। फर्दर फिर क्या है मैडम, अभी तो खत्म भी तो शुरू किया मैंने, आप तो जाने का बैठे और हो गया तो कोई बात नहीं, अब तो मैं शुरू हो गया देर चुक चुका ठीक है। अब क्या कि वो उन्होंने क्या किया कि ये तो अभी की बात है, इससे पहले ये प्रदीप जी बनाते हैं सॉफ्टवेयर, तो प्रदीप जी को बोले क्योंकि प्रदीप जी वी यूज सब 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 थ्योरी, वी रिक्वायर दैट द प्लेस ऑफ बर्थ शुड बी वेरी एक्यूरेट। अब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर बोले हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तो आप हमें दिल्ली के अंदर जगह डाल दीजिए, जैसे ग्वालियर का तो मुझे पता नहीं है, दिल्ली का डाल दीजिए, जैसे दिल्ली में अलग है वर्धमान, वसंत कुंज, वसंत विहार, विजय घाट, विजय नगर है ना, विकासपुरी है ना, विकास कुंज, विकासपुरी में मेरी दुकान है, मेरी शॉप है विकास कुंज, बस सड़क पार करें तो विकास कुंज है ठीक है। तो जो जो उन्होंने लिखा इन्होंने डाल दिया, अब तो इजी है, अब तो गूगल में आप जगह डालो, गूगल लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स दे देता है। तो जिस समय पे मेगा 2001 में प्रदीप जी ने बनाया था तो उस समय पे गूगल था ही नहीं, याहू हुआ करता। अब जो ये वसंत कुंज है, विकास कुंज है, ये सोसाइटी है दिल्ली के अंदर, सोसाइटी इतनी नहीं है, सोसाइटी है उसके अंदर कोई नर्सिंग होम नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़े। विजय घाट पता है आपको, शास्त्री जी अब भैया वहां कौन औरत जाएगी बच्चा पैदा करने में, कमाल के लोग। फिर उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल्स के बना दिए, फिर उन्होंने तो हमने गलती हो तो क्यों ना हॉस्पिटल के बना दे। फिर उन्होंने क्या किया कि इसको दिल्ली जो है ना जी बी पंत हॉस्पिटल है ना, हो गया हाँ, तो ऐसे उन्होंने बना दिया गंगाराम हॉस्पिटल ऐसे। फिर उन्होंने जब बनाया तो उनके रिजल्ट्स में थोड़ा सा फर्क आ गया, फिर उन्होंने कहा ऑल्टीट्यूड भी चेक कर लेते, फिर जब उन्होंने देखा कि वहां भी रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर उन्होंने देखा कि जच्चा बच्चा वार्ड कर ले, तो प्रदीप भाग गया, बोले भाई मेरे पास का नहीं, प्रदीप लेफ्ट इट। फिर उन्होंने कहा जच्चा बच्चा वार्ड कर ले, फिर उनको प्रेडिक्शन ठीक नहीं आई क्योंकि गंगाराम हॉस्पिटल जब मैं पैदा हुआ था तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, तो एक ही बिल्डिंग के अंदर जच्चा बच्चा वार्ड का सब है, अब तो वो शहर हो गया ठीक है ना, तो जच्चा बच्चा वार्ड उधर है, कैंसर वाला उधर है, न्यूरो वाले उधर है, समझने लगा। अब जब हम पैदा हुए थे तो जच्चा बच्चा वार्ड यहाँ था, अब जच्चा बच्चा वार्ड वहाँ, अब वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदल गया, अब वो आगे हमारी झूठ वाली बात आ गया। अब आगे जच्चा बच्चा वार्ड भी हो गया, बच्चा पैदा हो गया, अब वो हॉस्पिटल में क्या होता है, टेबल पे
के नीचे व्हील्स होते हैं। बच्चा पैदा हुआ अगर टेबल हिल गई तो लेटी वुड डाउन यूज़ होता है यार, इतना नहीं है प्रैक्टिकली, मतलब दिमाग की दही है यार, क्या है। मतलब मैडम मैं अगर लिखता हूँ ना कॉमन मैन माइनस कॉमन चार्ज इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैं किस दर्द से लिखता हूँ आप समझ नहीं सकते। ये देखो मैं कितना मुस्कुरा रहा हूँ, वो है गाना तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको। आगे हमसे लोग ऐसी बातें करते हैं, सर वो आपका सेकेंडों में नहीं है, आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आप तो सिर्फ सब लौट कर देखते हो, आप प्राण तो देखते नहीं हो, वो जाके प्राण भी देखते हैं। एक दिसंबर 1995 12:15, 17:07 कई प्राण डेज में भी है जो बड़े हो गए ना वीनस वाले, लेकिन ये बहुत जल्दी चेंज हुआ। कैसे? इफ आई चेंज टाइम 1 मिनट देर विल बी डिफरेंस ऑफ 5 डेज। सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट दी प्राण, मतलब नहीं ना आज का कॉमन सेंस की बात, तो वो वहां भी चले जाते हैं दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म प्राण, तो कहां तक जाओगे प्राण से, मतलब हर घंटे की प्रोडक्शन देती है, 30 घंटे में ये होगा। सो अंतर दशा इज 9 सबडिविजन दशा, प्रत्यंतर इज 9 सबडिविजन ऑफ अंतर, सूक्ष्म इज 9 ऑफ प्रत्यंतर, प्राण इज फर्दर। अब वो टाइम, अगर टाइम ऑफ बर्थ आपका 10 सेकंड इधर हो गया तो प्राण की तो निकल गया ना प्राण से। एक दिन बदल गया तो ये प्राण की बात क्यों करें, इट मेक्स नो सेंस बिल्कुल। अगर एंड पे अगर आ जाती है दशा भुक्ति अंतर तो हमें भी नहीं पता, पता नहीं ये भी अंतर आया, यू डोंट नो। तो ये मतलब समय से बाहर है, व्हाट दे हैव डन विद द सिस्टम, उन्होंने सिस्टम की लस्सी बना दी। फिर इनमें ये भी एक रूलिंग प्लैनेट बोल लेते हैं, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको तो उस पर और एक बार बोर्ड बता दूंगा। हर चीज में रूलिंग प्लैनेट, हर चीज में रूलिंग, मतलब आपकी प्रेडिक्शन जब करेंगे तो देखेंगे अभी के रूलिंग प्लैनेट कौन से हैं, अगर वो मैच कर रहे हैं तो वो उस पत्री को मारेंगे, नहीं तो पत्री को भी नहीं मारेंगे, फिर वो पत्री को चेंज कर देंगे। बहुत कुछ गाल मेला है, मतलब इट्स नॉट इजी सिस्टम। अपने सिस्टम में ठीक है, जैसे अभी शाइना बैठी थी तो क्योंकि रूल्स फिक्स है, तो शाइना के ब्रदर ने मेरे से पढ़ा, वो साल भी नहीं हुआ उसको, जो उसने प्रेडिक्शन दी वही उमंग रहने प्रेडिक्शन, मेरे को पढ़ाते हुए करीब 20 साल हो गए, जिसको 20 दिन नहीं हुए वो भी वही प्रेडिक्शन कर रहा है, जिसको 20 साल हो गए वो भी वही प्रेडिक्शन कर रहा है। इट मीन देर इज, आई एम नॉट सेइंग द प्रेडिक्शन विल गो करेक्ट और रॉन्ग, वी आर फॉलोइंग द सिस्टम, तो देख लेंगे प्रेडिक्शन गलत जाते थे। बट ये जितने भी सिस्टम है, चाहे वो कृष्णामूर्ति सिस्टम है चाहे कुछ है, इसमें रूल्स फिक्स नहीं। उसमें हुआ करते थे हमारे जो एक राजकुमार चौहान जब कैप्टन था, वो पढ़ते थे तो जो पढ़ने के बाद में जब सबसे पूछ लेता हूँ कैसा लगा सुनते, तो बोलते मिस्टर तनेजा यू एक्चुअली हैव अ सिस्टम टू फॉलो, व्हेन वी यूज्ड टू डू अ पराशरी सिस्टम व्हाट द प्रॉब्लम वाज, वी एक्चुअली यूज्ड टू हैव 9 people, like आप लोग 10 लोग हैं। सो वेन एवर यू हॉरोस्कोप यूज टू कम टू मी, आई यूज टू आस्क शाइना यू जस्ट प्लीज चेक दिस, सीमा जी यू प्लीज चेक दिस एंड टेल मी समथिंग अबाउट दिस, बक्कर साहब यू टेल मी दिस, तनेजा साहब यू टेल, आई यूज टू गिव दैट डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ टू देम, देन आई यूज टू कॉल देम आफ्टर अ डे कि व्हाट आर देयर फाइंडिंग्स, एंड मिस्टर तनेजा यू विल बी सरप्राइज टू नो All 9 people used to say different. And then I used to write down what is going to happen. And Mr. Tanya, you will be more surprised to know that always 11th thing used to happen.
वो साली 9-10 में से कोई चीज होती नहीं थी, 11वीं हो जाती है। ये कृष्णा मूर्ति में भी है, इसमें अपने को तो जाना ही नहीं आगे, दशा भुक्ति बस सब लोग नशा प्लान बस। यार कंफ्यूजिंग है प्लान, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज है, बात का तो प्लान भी कंफ्यूज है, कंफ्यूज ही होगा वो भी ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, अब है तो है। और वो आपको बात कह रहे थे, जो आप बात कर रहे थे ना हस्बैंड वाइफ का साथ में सोने वाला, हंसने वाली बात नहीं है इसमें, हस्बैंड वाइफ साथ ही सोते हैं उसमें क्या हंसने वाली बात। तो हमें किसी ने वहम डाल दिया, हमारे क्लासमेट्स में से, कि हम किसी को प्रेडिक्शन दे देते हैं, तो अगर हमने उसको कोई पूजा या कोई उपाय बता दिया, शनि का उपाय, शनि उसको जो छोड़ देगा हमें पकड़ लेगा। अब ये वो तो डर गया, डरना लाजमी। अब जब तक टीचर से किसी से नहीं पूछेंगे, तो एक ही सुनते थे बाकी सुनते रहे थे, तो आपने उनसे पूछा तो ही के 1 आवर लेक्चर ऑन दिस, आप में शक्ति होनी चाहिए, जब तक आप में शक्ति ही नहीं है तो शक्ति ग्राव है खत्म करो। तो उसे एंड में बोला वो शक्ति जो होती है वो कुंडलनी शक्ति होती है, जब तक वो कुंडलनी आपकी होगी नहीं तब तक आप शक्ति हो नहीं, आप किसी को उपाय बता नहीं सकते। अब तो हमारा था नया नया मुसलमान, अल्लाह अल्लाह पुकारे, जैसे मतलब हर उसको आदमी ज्योतिष सीखता है तो फटाफट इधर उधर की बात देखता है, इसका मंगल कहाँ बैठा उसका शनि होता ही है। और हमने कहा भी कोई पूछेगा तो हम बता नहीं सकते तो बेकार हो गया। तो शक्ति करवा दो, मैं कहा चलो सर शक्ति करवा दो, ये कुंडली उंडली करा दो सर, कहाँ होती है तो कहाँ होती का क्या मतलब। मैं कहा सर जहाँ वो आप कह रहे हैं ना नीचे से ऐसे कुछ खड़ी हो जाती है तो वो खिंचवा दो हमारी भी। वह तुम्हें वह मजाक सोचता है, सर आपने बोला कि सरपेंट पावर है नीचे पड़ी होती है और खींच के ऊपर करते हैं, तो खींच तो यार उसमें क्या हुआ, तो अपना भी स्टाइल होता है ना बात करने का, वो भी चल रहा है। अब वो बोला इस तरह से क्लास में नहीं होते, आप अकेले में रहिए घर पे, तो वो आप जाएंगे, हम घर में पहुँच गए तो हम 3 लोग गए। अब वो बोले हमने कहा सर वो कुंडल नहीं करवाने की, इस तरह नहीं होती सर, बताओ ना कैसे, टाइम बताओ ना सर कितना लगेगा, अभी हो जाएगी या कल है। तो बोले अरे इस तरह नहीं होती सर, भी किस तरह होती, बोलते मैं 54 में शुरू की थी सर, फिर क्या हुआ, बोलता 88 में आगे बस मगा सर, वो मैं करते रही मगर सर, फिर बोलता फिर 92 में शंकराचार्य जी ने सर यहीं से सीधी खिंचवा दो, फिर मैं जब यहाँ से खींचते वहां से खिंचवा दो। अब वो बोले नहीं इस तरह नहीं होती, मैं आपको तरीका बताऊंगा। मैं कहा सर इतना तो भाई, मैं कहा यार 30 साल उम्र है, 40 साल 45 साल में खिंचेगी क्या फायदा, छोड़ो दो जिंदगी खत्म हो जानी है, बहुत छोड़ दो काम करेंगे छोड़ो, नहीं ऐसा नहीं करो तुम्हारी भी जल्दी आएगी, तुम्हें तो गुरु मिल गया, हमारे पास तो गुरु नहीं था, ये गुरु भी हो गया, चलो मान लेते हैं। मैं कहा सर बताओ ना तरीका क्या है, बोलता पहले ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको चलिएगा क्या होता है, 2 घंटे सुबह पूजा करनी पड़ेगी, 2 घंटे शाम को करनी पड़ेगी, सादे वस्त्र धारण करेंगे, खाना खुद बनाना पड़ेगा, और फिर वो लास्ट वाली आपकी वाली बात बीवी से अलग से। अब मेरी नई नई शादी, हम तो घड़ी देखते थे शाम होगी कब, शाम हो ये बता तो सुन तो नहीं रहा मैंने तो भाई शाम हो किस तरीके से। अब हमारी मम्मी इसको पता, हमारी मम्मी शरद बोलती, इसकी नानी शरद बोलती, अगर मैं कमरे से बाहर हो गया तो मेरी माँ ने जूते मारे घर से बाहर निकालते बस, या तो अंदर घुस या बाहर निकल जाए, दोनों में से एक हुआ। क्या मतलब है तेरा शादी के लिए तू बीवी से रस हुआ,
में हमारे घर में तो पॉसिबल ही, हमारी माँ बड़ा ध्यान रखती थी कि भी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर है, खुश हैं, घूमने जाते हैं, नहीं जाते हैं, आपस में झगड़ा तो नहीं है, बड़ी मुश्किल है यार, यार हमारे घर में तो हो नहीं सकता, बीबी को क्या कहूँ मैं। अच्छा फिर मुझे लगा यार ये इस तरीके से मतलब जिनकी बिना इसके जिनको मैरिड हैं वो ऐसे कैसे बिना उसके रह पाते, अच्छा यार इनकी वाइफ भी ऐसे रह जाती होगी गुरु माता को, नहीं रहती होगी तो फिर ये कहाँ जाती होगी, ये तो कहते हैं ये कहाँ जाते हो, चुकना हो नहीं, ऐसे मत सोचे, ऐसे मत सोचे, पाप है पाप है, मन तो सोचता है ना, मन तो दौड़ता है वो नहीं पाप पाप है पाप, दिल तो दौड़े दिमाग में इसकी बीवी कहाँ जाती है, नहीं कुछ नहीं सोचा। अब खैर करके जद्दोजहद करके मैं कहा भाई हमारे से तो होगा नहीं, समझ में आ गई, तो फिर भी पूछ दिया मैं सर स्टार्ट कैसे करें इसको, तो स्टार्ट ऐसा करना है कि पहले आप तुम सब लोग 1,25,000 गायत्री मंत्र पढ़ के आओ, तो 1,25,000 गायत्री मंत्र मैं कौन पढ़ेगा, मैं कहा सर अगर पाँच माला भी करी हो सर ये तो 6-8 महीने का काम है सर, ऐसा मत करो, सस्ता था जुगाड़ बताओ भाई। अब उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया हमारे जिनके ना जवाब नहीं होते ऐसे क्वेश्चन पूछ होते हैं कुछ, तो उसने भी डाल दिया बोलते अगर मैं साक्षात भगवती तुम्हारे आगे प्रकट करूं तो क्या उसका तेज सहन कर पाओगे तुम, बताओ इसका क्या जवाब, सामने आएगी तो ही पता लगेगा कि सहन होगा या नहीं होगा। अब ये कोई क्वेश्चन ढूंढ यार मैं गुरु जी क्या बता रहे, गुरु जी भगवती तो माँ है आप जो करेगी करेगी, शेर आप संभालना, भगवती तो माँ है शेर तुम संभालना, और तुम ठीक है सर हम तो आए वापस, मैं आगे खत्म यार मैं आगे यार मेरा पुद्दू बन गया आगे, मतलब यार निकला कुछ है नहीं, मतलब इतनी कहानी सुनाई घर भी आए कुछ नहीं, ऐसा मूड खराब हो गया ना, आ गए यार नहीं हमारे पास का नहीं साथ वाले तो मेरे साथ गए थे वो मेरे से परेशान थे, बोलते यार तुमने उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता क्यों, बातें ऐसी करता है तू बात तेरी भी गलत थोड़ना है, मैं कहा यार तू सोना 40-40 साल, मैं कहा यार फोन करेगा, बोलता वो कह तो रहे जल्दी, मैं कहा जल्दी का यार 5-7 साल से पहले तो जल्दी है नहीं, मैं कहा यार LLB वह 2 साल में हो जाती है सब कुछ, 2-2-3-3 साल में ग्रेजुएशन इन्हीं का आया था, सालों साल कुछ अभी पता भी नहीं उसने, चलो खैर कहा बात खत्म हो ही सकती, अब सर फोन खुल जाती है इंसान की, मैंने ये भी देखा देर नहीं लगती है, तो हमारी जैसे आपकी होती है ना सैटरडे संडे क्लास होती है, तो हमारी जैसे होती है सैटरडे संडे क्लास, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वो दूसरे टीचर थे वो तो भाई साहब ऐसे एक दिन गुस्से हुए थे, अर्थ क्या समझता है अपने आप में, इसकी भगवती सारा दिन भगवती भगवती करता रहता है, मेरे तो कान खड़े हो गए, नया इन्फॉर्मेशन है पता करो, मतलब सर क्या हुआ सर क्या हुआ, अरे क्या ये क्या समझता है अपने आप को, मैं कहता बात कर रहा हूँ, अरे खुद तो पकड़ा गया था क्या, अरे खुद रंगे हाथों पकड़ा गया था घुस लेते हो, ये बस अड्डे का पुल जो बना ना दिल्ली का, मैं कहा सर वो शादरे, हाँ हाँ शादरे वाला, अरे वही जापानी पुल था जिसमें ये PWD का असिस्टेंट इंजीनियर और रंगे हाथ पकड़ा गया था, तब कहाँ थी इसकी भगवती, लगी यार अब तो, मैं कहा रावत जी आप तो गए आपके पास हम आए, आप हमें बता रहे हो कुंडलनी जब जागृत होगी तो ये जो वर्ल्डली प्लेयर्स हैं इसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, मैं कहा सर क्या बातें करते हैं, सारी बातें कोरी निरी सारी बातें, इंसान को भगवान ने बनाया तो ये जीभ बनाई है उसने, ठीक है शरीर बनाया उसको मेंटेनेंस के लिए हर चीज चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जो आपके शरीर को चाहिए उसको आप नहीं रोक सकते सर, सारी एनर्जी तो उसी को रोकने में लग जाएगी, फिर आप करोगे क्या, वट फॉर यू आर स्टॉपिंग, प्रजनन के लिए अंग बना है ना, प्रजनन कराएगा ना,
और प्रजनन के क्या गलती है थी? इनको जो भगवान ने चीजें दी है ना, इनको उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने में बड़ा आनंद आता है। आप मेरे बताएं, विष्णु जी की भार्या है या नहीं है? शिव जी की भी है, कृष्ण जी की भी है, राम जी की भी है, तो हमारी उनको खटकती क्या? मतलब बात है यार, बिल्कुल इनकरेक्ट बात है, बिल्कुल इनकरेक्ट बात। नॉर्मल लाइफ जीने का, नॉर्मल लाइफ का भी एक मीठा खाने को बना कर तो उसका ध्यान मीठे में रहेगा। अरे हाँ सर, डाइटिंग कराते हैं सर, ये मत खाओ वो मत खाओ, और सर दिन में गोलगप्पे की तरह भी सर तो भी नहीं आता सर, डाइटिंग ही नहीं होता। हमको हमको ऐसा बोला था कि जुपिटर केंद्र में होता है तो फिर जुपिटर केंद्र में 33% लोगों का केंद्र में, ठीक है ना, इनका भी केंद्र में होता है। जुपिटर कहाँ होता है? मेरे बिग ब्रदर का जुपिटर और चंद्र 10वें स्थान में, मेरे 11वें। आपका 11? अच्छा, तो वो मोटे हैं पतले? पतले मेटाबॉलिज्म फास्ट है, चंद्र और गुरु एक साथ है, तो फादर का भी ऐसा होगा, पिताजी पतले होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट है। आपका केंद्र में, इनका भी केंद्र में, आपका भी केंद्र में, मेरा भी केंद्र, इनका भी केंद्र। हमने पता कर सकते मोटे पतले का, हम ये पता देते हैं कि बीमारी होती है मोटे पतले का। कोई भी तरीका नहीं है जिससे हाइट वेट साइज ये पता चलता है, ये बाद में गेन होता है, सीधी सी बात। तो आप में अगर प्रॉब्लम होगी तभी होगा, या तो आपका थायराइड भी गड़बड़ है। ऐसी बात नहीं, कुंडली देख करके पंडित लोग मतलब जो ज्योतिष है वो अच्छे वाले वो बता देते हैं कि आपकी साइज हो गया, मोटे होंगे हेल्दी होंगे, देख करके ही बता देते हैं। मैडम ऐसा आपको नहीं देखना? ऐसा मैडम जी, मैडम जी ऐसा आप कितने भी गोरे हो, जर्मन से काले हो गया, ठीक है। अब आप बताओ आपका मून वीनस किधर है? चंद्रमा शुक्र, चंद्रमा मेरा किधर है? फिफ्थ हाउस में। और शुक्र? नहीं, देख नहीं, लगन में तो नहीं है? नहीं लगन में, चंद्रमा शुक्र लगन में तो नहीं। ये गोरे मूंग गोल है पर सर मेरा मून उसमें आ जाता है ना। मैडम आप जुगाड़ तो कहीं भी सर कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर ले। ये मूंग गोल है, इनका मून लगन में होना चाहिए, गोरे हैं, स्वीट बोलते हैं, तो वो ज्योतिष का मेथड नहीं लगता, ठीक है। केरल में ज्यादातर लोग मतलब ब्लैकिश ही होंगे, हाँ। इन या इनके भी मतलब डार्क साइड होंगे, उनके भी मून लगन में। अच्छा जो बताओ कौन अच्छा? अफ्रीका में तो फिर देश अफ्रीका की तो मैंने बात ही नहीं की। एंड ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। मुझे आपकी शक्ल से कोई लेना देना नहीं, मुझे आपके व्यवहार से लेना देना। आपका व्यवहार अच्छा है तो आप मुझे खूबसूरत लगने लग जाएंगे। आप कितने खूबसूरत हैं, आप अगर का व्यवहार अच्छा नहीं है तो बुरा लगेगा। तो व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, शक्ल पे नहीं, शक्ल नहीं बता सकते आप। कल भी हमने बात की थी, कोरियन है जैपनीज है, तो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, बस एक मेरे मुंह पे प्लेट मार के मक्का मार लगा, बस हो गया। और कुछ भी नहीं, तो ये अच्छा, ये पता करने में कोई भी कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तो देखना है कि उसकी प्रॉपर्टी व्हीकल ये रिश्ता है, एजुकेशन उसका वो मेन, बस उसी से मतलब। बाकी सर तो कभी कुंडली से पता ही नहीं चल सकता इंसान पतला होगा नहीं होगा। मेहनत लगती है जैसे कुंडली से पता करने से, अगर अदनान स्वामी हो सकता है तो कोई भी पतला। नहीं नहीं, अदनान स्वामी ने तो ऑपरेशन करवाया है, स्टमक अभी 2 लाख रुपए होंगे तो हम भी बैरियाट्रिक सर्जरी कराने के, अभी लगाना भी मत करो।
नहीं, एक जन ने किया हम लोग की खाद्य विद्यमान में क्लास में एक लड़की ने अर्जुन का बोल रहे ऑपरेशन कराया कौन अर्जुन वो लोग ज्यादा खाना